तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने अभी चैप्टर का नाम देखा तो उसका नाम ऑफिशियली निर्धनता लिखा हुआ है, मतलब गरीबी होता है। मैंने पहले गरीबी लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो एक ही है। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि गरीबी है क्या। मतलब हम लोग कई तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरह की गरीबी है, बहुत सारे चेहरे हैं गरीबी के, ये सब हम लोगों ने बात की। लेकिन अभी हम लोग आमतौर पर गरीबी से क्या समझते हैं, गरीबी कैसे हम लोग समझ पाते हैं कि कौन गरीब है कौन नहीं है, आमतौर पर क्या होता है। फिर एक अर्थशास्त्रियों ने एक पूरा क्राइटेरिया बना रखा है कि आप कोई गरीब है ये कैसे पता करोगे, क्योंकि अगर पता करना क्यों जरूरी है, पता करना इससे जरूरी है क्योंकि बहुत सारी आप योजनाएं चलाओगे तो वो योजना उन लोगों के लिए चला रहे हो जो लोग गरीब हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि पहले गरीब कौन है। तो अर्थशास्त्रियों को एक बनाने पड़ेगा कि हाँ ये लोग गरीब हैं, और उसके बाद कुछ लोग हैं जो लोग आप बोल दो कि नॉन पुअर या जो लोग गरीब नहीं है, ठीक। तो वो एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी हम लोग आमतौर पर गरीब किसको मानते हैं। तो देखिए, हमारे देश में दो तरह का सिस्टम है। एक तो है सिस्टम नहीं है, मतलब दो तरह से देश को बोला जा सकता है। एक मूवी थी राजनीति, अमिताभ बच्चन थे उसमें, सैफ अली खान थे, अजय देवगन थे शायद, ये सारे लोग थे, और उसमें एक डायलॉग आता है कि ये एक देश नहीं है हमारा, दो देश हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। तो वो ये बोलना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं इंडिया में, बहुत अच्छे से वर्ल्ड टूर भी कर रहे हैं, बहुत जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में देखोगे तो अभी हमारा बहुत सारा ऐसा ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत अच्छा है। हमारे आईटीज में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोगों को भी टक्कर दे सकते हैं और उनके साथ भी कम्पीट करते हुए आगे भी पहुंच जा रहे हैं। मैं सुंदर पिचई सत्या नडेला जी का एग्जाम्पल बार बार देता रहता हूँ, जिन लोगों ने जो अभी वर्ल्ड की बेस्ट सबसे अच्छी बड़ी कंपनीज उनको लीड कर रहा है, और ये भारतीय मूल के लोग हैं जो एक मणिपाल से पढ़े थे, एक आईटी से पढ़े थे। मणिपाल वाला जोक भी चलता है, वो अलग इशू है। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन साथ में ही भारत में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़ेपन वाला जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। तो वो मूवी जब बोलती है तो एक आ जाता है भारत, एक आ जाता है इंडिया, और यहां पर भी वो उस तरह का डिविजन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जब गरीबी की बात करते हैं तो हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से गरीबी को पहचानने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कैसे? एक तो है गांव और एक है शहर। अब शहर और गांव के जो गरीब है ना, उनमें अलग थोड़ा अंतर है। गांव में कौन गरीब है? गांव में सबसे पहले वो गरीब है जिसके पास जमीन नहीं है। क्या नहीं है? जमीन नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंडलेस लेबरर। ये क्या करता है बेचारा? ये किसी दूसरे इंसान की जमीन पर काम करता है, इसके पास खुद की बिल्कुल भी जमीन नहीं है, है ना? ना जानवर है, कोई ऐसा संसाधन है नहीं, कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं? तो एसेट नहीं है। क्या नहीं है? कोई संपत्ति नहीं है। अब ये आदमी मजबूर हो जाता है, फिर ये करता क्या है? ये दूसरे के साथ काम करता है, है ना? बहुत सारे लोग हैं, मेरे गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की चीजें नहीं है, तो उनको कभी मिल गया काम, जब सीजन होता है, जब फसल काटी जा रही होती है या बुआई करनी होती है, तो बहुत ज्यादा काम दिया जाता है इन लोगों से। लेकिन जैसे ही काम खत्म, उसके बाद से खाली बैठ जाते हैं। तो बहुत इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इनके पास बचा खुचा जब काम मिल गया तो उन्होंने कुछ खा लिया पी लिया, उसके बाद से कोई भी घर में अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके लिए पैसे नहीं है। आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है ऐसे लोगों की। तो गरीबी गांव में हमें सबसे पहले दिखाई पड़ती है जिनके पास जमीन नहीं है, या जमीन है लेकिन बहुत खराब तरह की जमीन है, बंजर टाइप की जमीन है, बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो उसमें इतना उगा पा रहे हैं कि आप खा पा रहे हो, और कई बार उतना भी नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी गरीब हैं। और शहर में कौन गरीब है? तो शहर में जो गरीब है वो लोग गरीब हैं जो गांव से शहर में पलायन करके आ गए हैं, लेकिन उनके पास काम करने का कोई कौशल नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से नहीं हुई, उनके पास कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, उनका शहर में नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्क जानते हैं आप, जान पहचान। तो जान पहचान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, जान पहचान की वजह से आपको रोजगार मिल जाता है। तो ये शहर आ तो गए, शहर क्यों आ गए? क्योंकि उनको लगता है कि गांव में तो कुछ भी नहीं है, गांव में भाई फसल कट गई उसके बाद से आप बैठो 2 महीने के लिए, आपके पास कोई बड़ा काम नहीं, खुद की जमीन है नहीं, आप करोगे क्या? तो इससे अच्छा कि शहर चलते हैं। अब शहर में रहना थोड़ा महंगा होता है और उतने पैसे तो इनके पास है नहीं, तो ये लोग शहर में तो और भी ज्यादा खराब हालत में रहते हैं। गांव में रह रहे हैं तो वहां पे प्रदूषण तो नहीं है, वहां पे कोई आसपास नदी है, तालाब है, वहां से पानी तो मिल जा रहा था,
खाने को दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी के आपने खेत में काम किया तो आपको खाने का मिल गया। ये लोग जब शहर आ जाते हैं तो शहर में किस तरह की समस्याएं होती है? शहर में बने होते हैं कूड़े के ढेर। क्या होते हैं? कूड़े के ढेर। आप दिल्ली में कभी, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली कभी गए, उन्होंने देखा होगा दिल्ली में आप दो तीन दिशाओं से अगर एंटर करोगे, यूपी की साइड से करोगे, तो गाजीपुर का एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है। मतलब उसकी इतनी ऊंचाई हो गई है कि ताजमहल की ऊंचाई से ऊपर निकलने वाला है, वो पहाड़ है कूड़े का। और खाली गाजीपुर में नहीं है, आप हरियाणा की साइड से एंटर करोगे तो वहां पर भी एक पहाड़ दिखता है। तो तीन ऐसे पहाड़ बन गए हैं और बहुत सारे गरीब लोग उन्हीं कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों के पास में रहते हैं। स्लम्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लम्स, है ना। स्लम्स का मतलब क्या होता है? झुग्गी बस्तियां होती है ना, झुग्गी बस्तियां। मेरा एक दोस्त है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्लम किसको माना जाता है? धारावी है मुंबई में, बहुत कम जगह में करीब 10 लाख लोग रहते हैं, है ना। तो वहां पर वो इतना ज्यादा कंसर्न था, इतना ज्यादा ऐसे लोगों के लिए परेशान था कि वो उसी स्लम में जाकर के रहा और वहां पर बच्चों को उसने बहुत दिन पढ़ाया। तो उससे एक तरह का जो जीवन शैली है ना, वो बहुत कठिन हो जाती है। छोटी छोटी सी चौल बना लेते हैं, मुंबई में उसको चौल बोलते हैं, हमारे यहाँ झोपड़ी बोलते हैं, झुग्गी बोलते हैं। अब झुग्गी बना ली है, बारिश होती है तो पूरे में पानी भर जाता है आसपास, बहुत ही ज्यादा बीमारियां पनपती हैं। उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि इतनी तेज पानी बरसता है कि रात में ही नीचे आप सो रहे हो उसमें पानी घुसना स्टार्ट हो गया, छत पूरी खुल जाती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपका घर है, घर के पीछे पूरा नाला बह रहा है और नाले में बहुत मच्छर है, तो बीमारियां भी बहुत है। उसके बाद जो भी बड़े बड़े परिवार होते हैं ना, उनमें कोई ऐसा लिहाज लिहाज कोई सीन ही नहीं रहता है, कुछ है ही नहीं। मतलब आप कमरे में घुसे, कमरा है ही नहीं, मतलब एक ही है ना, उसमें कमरा कुछ है ही नहीं, वहीं पे सब सो रहे हैं, वहीं पे सब खा रहे हैं, कोई किचन ड्राइंग रूम इन सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में इस तरह का जो प्रवेश होता है ना, वो अपराध को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा होता है। और इसीलिए जो गरीबी है वो बहुत बड़ा चैलेंज पूरे समाज के लिए हो जाती है। और इसलिए समाज में गरीबी खत्म हो, ये सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग गरीब नहीं है या इतनी खराब हालत नहीं जी रहे, उनके लिए समझना जरूरी है कि आपके लिए अच्छा है कि गरीबी खत्म हो। आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में पूरी दुनिया के 20% से ज्यादा गरीब रहते हैं। मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 गरीब है तो 20 से ज्यादा गरीब तो भारत में ही है, समझ रहे हैं। लगभग भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। कितने? 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? खाने का बंदोबस्त हमेशा हो जाए पता नहीं, दीवार या घर में कोई पानी का इंतजाम ठीक से हो जाए पता नहीं, खराब पानी पी रहे हैं। आप समझ जाए, दिल्ली के पास यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित है ना, और दिल्ली के थोड़ा पहले से ही इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, तो उसके आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर मजबूरी में पानी नदी का पिएंगे और ओ लगाने का उनके पास पैसे नहीं है। आरओ क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आरओ, इंग्लिश से होता है रिवर्स, ये होती है ऑस्मोसिस। तो एक प्रक्रिया होती है जिससे हम पानी का साफ कर देते हैं, पानी को साफ कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यमुना का खराब पानी पीने को मजबूर हैं और कैंसर बहुत तेजी से बढ़ गया उन गांव में, मर जा रहे हैं। उन्हें पता है कि पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, किसी उद्योग से खराब जो भी कूड़ा करकट है वो निकल करके आया और वो भी उसमें मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। एक टर्म होता है इंग्लिश में, आप सीख लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश का इसलिए बताता रहता हूँ ना, ये बहुत जरूरी। आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको सारे टर्म्स इंग्लिश में मिलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस, है ना, कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस क्या होता है? ऐसी चीजें जिससे आपको कैंसर हो जाए। और कैंसर, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो नदी में मिल जाते हैं और उससे फिर आपको क्या होने लग जाता है? कैंसर होने लग जाता है। पीने को मजबूर है, मुझे पता है कि ये ऐसा होने वाला है। आज मैं सुबह उठा तो सुबह उठने के टाइम पर आज मैंने एक वीडियो देखा, वो पाकिस्तान का वीडियो था जिसमें पाकिस्तान की एक फ्लाइट है वो क्रैश कर गई, जाकर के कराची एयरपोर्ट पर पहुंचना था, उसको करीब 1 किलोमीटर पहले क्रैश कर गई। तो वो करीब 1 से 1.5 मिनट का कन्वर्सेशन है, ठीक है, जिसमें पायलट है वो बता रहा है कि क्या हालत चल रही है। तो वो एक टाइम पर बोलता है कि दोनों इंजन खराब हो गए हैं और वो हाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आता जा रहा है, जहाज आता जा रहा है। और लास्ट में वो बोलता है मेडे, मेडे समझते हैं, मेडे का मतलब होता है कि जब कोई भी एकदम हालत एकदम खराब हो गई है, कोई शिप जहाज पानी का डूबने वाला है या उड़ने वाला जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए हैं, एकदम टकराने वाला है, जब कोई ऑप्शन नहीं आपके पास रह गया तब आप मेडे बोलते हो, है ना। तो वो मेडे 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 4 बार बोलता है, उसके तुरंत बाद जाकर के जहाज टकरा जाता है और उसमें करीब 100 लोगों की मौत हो जाती है ना। तो
ऐसी स्थिति होती है कि आपको दिख रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मरने जा रहे हो, ये वो समय होता है। और गरीबी में वो समय हमें बहुत लंबे समय तक दिख रहा है, मुझे पता है कि मैं ये पानी पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कैंसर होगा और बहुत बुरी तरह से मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। तो ये इतना दर्दनाक चेहरा होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे गरीब कैसे लोग हैं, किनको पहचानते हैं, तो ऐसे लोग गरीब हैं जिनके पास मूलभूत संसाधन खाने का ठीक खाना नहीं है, जो पानी पीने का है वो ऐसा पानी है जो दूषित है, जिससे मैं बीमार पड़ जाऊंगा लेकिन मैं फिर भी वो पी रहा हूं। मैं ऐसे घर में रह रहा हूं जो परमानेंट नहीं है, कच्चा मकान है, छप्पर पड़ा हुआ है, आंधी में उड़ सकता है, लोगों की टीन उड़ जाती है, मैंने देखा है आंधी आती है बहुत तेज तो टीन उड़ जाती है, टीन शेड उड़ जाता है, छप्पर गिर जाते हैं लोगों के, बहुत सारे लोग एक इस तरह के सिचुएशन में रह रहे होते हैं कि बहुत सारी चीजें रोजमर्रा। मैं जहां पर रहता था, मैं एक बहुत छोटे से होम टाउन से आता हूँ, मेरा जो होम टाउन है उसका नाम छिबरामऊ है, कन्नौज जिला पड़ता है यूपी में, वहां पर छिबरामऊ जगह है। तो वहां पर मैं देखता था बहुत सारे लोग ऐसे जिनके जीवन का 3 से 4 घंटा सिर्फ पानी भरने में चला जाता है। आपको घर के लिए पानी भर के लेकर के आना है, आपके घर तक इतने पैसे नहीं है कि आप वहां से 100 मीटर की पाइपलाइन अपने घर तक ला पाओ और उसके बाद से फिर पानी भर पाओ। तो घर की महिलाएं रोज सारे लोगों के लिए पानी भर के लेकर के आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप समझ रहे हैं, वो पानी भर रहे हैं। तो इस तरह का जब आप दृश्य देखते हो ना, तो आपको लगता है कि जो मानव जीवन है, तुलसीदास जी ने लिखा था कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, कि मनुष्य का जो शरीर है वो तो गुणों का खजाना है। और ऐसे जब आप दृश्य देखते हो तो आपको लगता है कि किस चीज का खजाना है, क्या है, मतलब आपका पूरा समय ही इन सब कामों में चला जा रहा है। तो है ना, मतलब गरीबी हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा करने के सारे अवसर छीन लेती है, और वो सारी चीजें जो है वो बहुत ही दर्दनाक है बाकी लोगों के लिए भी देखना। और एक समाज के रूप में हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते अगर हम उस चीज को दूर नहीं कर पाएंगे, तो वो एक चीज आ जाती है। अब मैंने बता दिया कि शहर में क्या दिखता है, तो सबसे पहली परिभाषा आती है, वो आती है संसाधनों से। कैसे आती है, कि जमीन नहीं, यानी कि संसाधन नहीं है शहर में, घर नहीं है, संसाधन नहीं है, समझ रहे ना। तो ये जो पूरी चीज आती है वो पहली सबसे आसान परिभाषा है कि संसाधन नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं ठीक से पूरी नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं गरीब। और उसके बाद फिर इसकी और विमाएं हैं। तो जो सबसे पहली चीज होगी, गेहूं और गुलाब की बात मैंने की थी पिछले चैप्टर में, उसी चैप्टर से अगर आप देखोगे, मतलब उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में देखोगे, उसी की निरंतरता में देखोगे, तो पहली चीज अगर आपकी पूरी होगी उसके बाद दूसरी चीज भी है जो पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन डिग्निटी होती है, डिग्निटी समझते हैं, एक हर एक इंसान का अपना आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान को छीना जाने लग जाता है गरीबी के नाम पर, समझ रहे हैं। और वो ना छीना जाए, वो सारी चीजें आप किसी को दे दो तब वो गरीब नहीं है। आत्मसम्मान आपका तब भी छीना जाता है जब आपको आप ही के घर के निर्णय में आपका कोई महत्व नहीं है। और ये हमारे देश में दुखद है, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा है, लड़कियों को तो भाव देना ही नहीं है। और लड़कियों को छोड़ करके जो हमारे थर्ड जेंडर है, जिसमें हम लोग कई बार उनको बहुत गंदी तरह से अलग अलग तरह के नाम लेकर के पुकारते हैं और बहुत बुरी निगाह से देखते हैं, वो भी एक हमारे समाज का बहुत बड़ा एक अभिशाप है, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, कुरीति है, क्योंकि उसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। जो इंसान जिस तरह से पैदा हुआ, आप जिस तरह से पैदा हुए, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था, आप जिस घर में जन्म लिया उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस तरह की चीजें जो आपके पास है पहले से, उसको लेकर के किसी का मखौल उड़ाना, ये पूरे समाज के लिए कोड है। कई बार लगता है हमें कि नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो अच्छे हो गए, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसी का एक कॉन्सिक्वेंस होता है जो आपके ऊपर आता है। कभी आप पढ़ेंगे तो एक इफेक्ट को बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। ठीक है, बटरफ्लाई इफेक्ट में क्या होता है कि एक जगह पर एक छोटी सी बटरफ्लाई, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उससे फिर धीरे 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 पूरी पूरी चीजें होती चली गई, डोमिनो इफेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समाज में अन्याय होता हुआ दिख रहा है ना, बोला जाता है कि किसी भी हो जगह हो रहा अन्याय पूरे दुनिया में न्याय के लिए खतरा है। ठीक है, मतलब इनजस्टिस किसी भी एक जगह पर हो रहा है तो पूरी दुनिया में जो जस्टिस है उसके लिए वो खतरा है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और आप ये बोलेंगे कि ये तो एक पूरा फिलोसॉफिकल लेक्चर हो रहा है, पूरा एक गरीबी मुद्दा ही ऐसा है, इतनी सारी डायमेंशन है। जब तक आप इस चीज को रियलाइज करना, फील करना स्टार्ट नहीं करोगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र में गरीबी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, और अगर हम उसको किस तरह से डिफाइन करें, उसके लिए किस तरह की योजनाएं बनाएं जिससे कि ये समाज की इतनी बड़ी बीमारी दूर हो जाए, समझ रहे ना। तो वो हम धीरे धीरे वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले संसाधनों की बात आती है कि अगर संसाधन नहीं है तो वो इंसान कैसा है? गरीब है। तो ये एक
बेसिक थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग शायद आप लोगों की बढ़ी होगी। हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में बात करना स्टार्ट करेंगे, अर्थशास्त्र में बात करना स्टार्ट करेंगे कि निर्धनता कैसे है। उसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, लोग बहुत सारी बार बुराई करते हैं कि ये लो आपने ये बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, तो वो कैसे बोल दिया, वहां पर अर्थशास्त्रियों की भी मजबूरी है, आपको वो भी समझ में आएगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि गरीबी एक बहुत ही बड़ी समस्या है और उस गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देश में जितनी भी योजनाएं चली है प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के आज तक, हम लोग गरीबी उन्मूलन को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद भी हम दूर नहीं कर पाए। हमने इसमें अच्छी अच्छी प्रोग्रेस की है, बहुत सारे लोग हमने गरीबी रेखा से ऊपर रहकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के बताइए मतलब लगभग लगभग एक चौथाई गरीब हमारे देश में रह रहे हैं। तो ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी शर्म की बात है और सिर्फ भारत देश के लिए एक चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। और इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिल गेट्स साहब जो है ना, वो भारत में भी बहुत सारे गरीब प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में बात करेंगे निर्धनता को अर्थशास्त्र से थोड़ा और रिलेट करने की, अभी तक हम लोगों ने काफी जनरल बात की है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।